अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। मैं इस वक्त पाइसिस वालों को बताने लगा हूं कि आपका ये हफ्ता जो कि 22 से 28 दिसंबर का है, ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। सबसे पहले दुआ है कि परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये हफ़्ता कुछ थोड़ा सा तब्दीलियों का हफ़्ता है। कुछ तब्दीलियाँ मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई थी, स्पेशली जुपिटर की तब्दीली के हवाले से, और कुछ इस हफ़्ते में कुछ अहम चेंजिंग्स हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस। तो थोड़ा फोकस आपको करना होगा, डेट्स को याद रखिएगा और कुछ बातों को अपने ज़ेहन नशीन कर लेना है। ऐसे तमाम अफराद जो कि 19 फरवरी से ले कर 20 मार्च के दरमियान पैदा होते हैं, ये तमाम जो हैं ये पाइसिस में आते हैं। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर जो कि इस वक्त नेगेटिव है, इससे नेगेटिविटी से बचने के लिए आपके लिए लाजमी होगा कि आप एक ज़मुर्रद अपने हाथ में पहने, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप कोई अपना बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, कैरियर रोज़गार का मैटर्स हैं, तो फिर इसके साथ साथ एक येलो सफ़ायर वेयर करना ना भूलिएगा। सदका हर जुमेरात आप कुछ बड़ा गोश्त 300 ग्राम 3 पाव या 3 किलो हस्ब इस्तेताअत इसके साथ कुछ हल्दी डाल के, जो कि आपने गोश्त के ऊपर ही डालनी, अलग से जो है वो किसी मुस्लिक को दे दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने ये जानवरों को डालनी है तो फिर बेशक आप हल्दी उसके ऊपर, गोश्त के ऊपर मल के जानवरों को डाल दें। सदका कभी भी राह गुजर में मत डालिएगा। खाना माल का हाकिम सैयारा आपका मरीख, बहुत ही ज़बरदस्त पोजिशन में, जायचे के नामे रहते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोजिशन में बनाते हुए आपकी माली पोजिशन को जो है वो मुस्तहकम कर रहा है। पिछले दौर में जो प्रॉब्लम्स थी आपकी फाइनेंशियल जो है उसको बड़ी तेज़ी के साथ ही अब कवर कर चुका है, और मज़ीद इसमें बेहतरी जो है वो आती चली जाएगी। ये तमाम हफ्ता इंशाल्लाह आपको इस हवाले से प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। स्पेशली वो लोग जो कि बैरून मुल्क, जिनका सोर्स ऑफ अर्निंग किसी भी हवाले से जो है उनकी टच रहे, तो वो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो साबित हो सकता है। आपके तीसरे घर का हाकिम सियारा जोरा, ये अहम चीज़ है, आपके जायचे के बारे में चला गया, तो अब आपको अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को बड़ी एहतियात से गुजारना है। आपके अपने करीबी अजीज़ों का रब आप कुछ प्रॉक्सी में आपके अगेंस्ट चलते हुए नज़र आते हैं, और इस वक्त जबकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट अच्छी पोजीशन में नहीं है, आप ऐसी किसी भी चीज़ को अफोर्ड नहीं करते। तो जुमे वाले दिन 600 ग्राम चीनी दरख्तों की जड़ों में डालना या किसी डिज़र्विंग पर्सन को देना अब अपना मामूल बना लें। ये सदका आपको कम अज़ कम एक महीना जो है वो देना है। वीनस अभी बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस पे आपके जायचे के बार में आया है, तो आपको यहाँ पे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आपके कोई वरासती मामला चल रहे हैं फिर आपको और भी केयरफुल रहना पड़ेगा। नज़दीकी सफ़रों में भी आपसे कहूँगा सदका दिए बगैर सफ़र इख्तियार मत कीजिएगा। अपनी तहरीर और तकरीर को जो है वो बैलेंस कीजिएगा, और थोड़ा फोकस कीजिएगा कि आपके अजीज़ो करब आपके साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें बहुत से राज पोशीदा होंगे, बहुत से क्ल्यूज़ आपको मिलते चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी, आपके साथ पता चलेगा कि ये क्या मामला चल रहे हैं, आप इसको बड़ी अच्छे से कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। चौथे घर का हाकिम सैयारा जो कि आपके सातवें घर का भी हाकिम है, ये आपके जायचे के दसवें जा चुका है, तो आपका कारोबारी मामला जो हैं आपके खानगी मामला की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। आपके शाख्तीय जवाजी ताल्लुकात भी डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं, तो जल्दबाजी में किसी भी किस्म का रिएक्शन देने से गुरेज कीजिएगा। वालदा की तरफ से, बल्कि वालदैन की तरफ से कुछ थोड़ी सी आपको नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, मोहतात रहिएगा। और सदका दीजिए, आधा किलो मूंग साबत का सदका देके ये एक हफ़्ता है आप इसको गुजार लें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मरकरी जो है अपनी पोजिशन चेंज करेगा, तो हालात में काफ़ी सारी बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। घर की और सवारी की तब्दीली से गुरेज कीजिएगा। इस वक्त में घर ख़रीदना जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनेगा। अगर आप कुछ ऐसा इरादा करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी सेल करके बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, तो ऐसी गलती कतई तौर पे नहीं करनी। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि ऐसी गलती ना कीजिएगा। शरीके कार के साथ भी आपके तल्लुकात कुछ कारोबारी इख्तलाफात हो सकते हैं, जो कि वही सदका दे के आप कवर कर सकते हैं। पांचवें घर का हाकिम सैयारा कमर, जैसे मैंने बताया कि अकरब है इसको 22-23 तारीख को, तो 2 किलो टोटा चावल आटा या दूध का सदका देके आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप दे चुके हैं तो मज़ीद देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 21 तारीख से स्टार्ट हो गया था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको अपलोड किया था। बाकी तमाम हफ्ता आपके फ्यूंसी के साथ आपके तल्लुकात अच्छे रहेंगे, आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान बढ़ जाएंगे,
और इसके साथ साथ बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। बच्चे आपको कहीं तवील सफ़र के लिए भी आमादा कर सकते हैं और बच्चे आपको कारोबारी वाले से भी कुछ अच्छी सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। स्केल 12 से 14 तक की जो एजुकेशन है उसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर सूरत हाल जो है वो मिल सकेगी। आपकी सेहत, आपकी जॉब, ये बहुत अहम है। शम्स को ग्रहण हो रहा है, शमसी ग्रहण है 26 तारीख को। इस हवाले से मैं पूरी ब्रीफिंग जो है वो एक वीडियो की शक्ल में आपको दे चुका हूँ। अगर आपने किसी भी वजह से अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहली फुर्सत में उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम है। आपकी जो सेहत है, जो आपकी जॉब है, ये दाव पे होगी। 26 तारीख को सुबह 7:29 पर आगाज़ हो रहा है, तो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने सदका भी आपको बताया और कुछ स्पेशल आपको विर्द भी मैंने बताया है नमाज आयात के अलावा भी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप जो है वो अपनी सेहत और अपनी जॉब दोनों को जो है सिक्योर कर सके। इसी तरह आपको अपने मुलाजमीन की तरफ फोकस करना पड़ेगा, यहाँ से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। आपके विरासती मामला, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं है, इसको आपको फोकस करना है थोड़ा। आपके बिरन मुल्क सफ़र की राहें जो हैं वो खुल चुकी हैं। वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए एक अच्छा टाइम, लेकिन 23 तारीख से फिर ऑनवर्ड ये चलेगा। और समाजी ताल्लुकात, आपके अपने ससुराली जोकरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में जाते नज़र आ रहे हैं। अगर आप ज़्यारत मुकदसा का इरादा रखते हैं तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी, या आप उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपकी ख्वाहिश भी जो है वो पूरी हो सकती है। जो लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी जो है वो बनी हुई है पोजीशन। आपको स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आपको बेहतरीन माहौल मिलेगा और आपको अच्छे इंस्टीट्यूट जो है वो मिल सकेंगे। इसी तरह अगर आप ख्वाहिश रखते हैं एजुकेशन के हवाले से बैरून मुल्क जाने की, तो ये ख्वाहिश भी आपकी जो है पूरी हो सकती है। लेकिन कैरियर रोज़गार का हाकिम सैयारा चूँकि अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको इसके लिए कोई स्पिरिचुअल रेमेडी करना जो है वो ज़रूरी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके छठे घर का हाकिम सैयारा शम्स इसको जो है वो ग्रहण हो रहा है। ये ग्रहण आपके जायचे के 11वें हो रहा है, तो ये हफ़्ता आपकी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से कोई बहुत अच्छा टाइम जो है वो साबित नहीं होगा। तो ये ग्रहण का सदका और ऑन टाइम सदका देना ये इसलिए भी ज़रूरी होगा। शम्स एक महीने के लिए तकरीबन जो है वो यहाँ पे आया है। सन अभी भी सेटन जो कि जोहल आपके अपने घर में मौजूद है, 11वें घर में मौजूद रहते हुए ये अभी भी आपको सपोर्ट करता नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रहण की वजह से 26 तारीख के बाद वो भी आपको उतनी तरह जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकेगा। अगले हफ्ते में फिर सन जब करीब होगा तो फिर उतनी देर तक ये मामला आपके फिर भी गुजारे में चलते रहेंगे। तो मजमू तौर पे आपकी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से ये हफ्ता कोई बहुत अच्छा हफ्ता हम काउंट नहीं करते। इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, वो अहबाब जो कि इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप 25 तारीख तक जो है इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई ना कीजिएगा। और अगर आप बैरून मुल्क मुकीम है और सवारी और जगह की तब्दीली की ख्वाहिशमंद है तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। वो भी मैं आपसे कहूँगा कि आप भी 25 तारीख तक इसको कर लीजिए। ग्रहण के हवाले से मैं बताऊँ कि सदका जो है वो आपको 25 को भी दे सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल आ रहे थे ग्रहण की वीडियो पर, तो आपको बताता चलूँ कि वो आप 25 तारीख को भी दे सकते हैं, जबकि नमाज आयात जो है वो जब ग्रहण लगता है तो वाजिब होती है, तो वो ग्रहण के दौरानिए में पढ़िएगा। और जो आपको ख़ास विर्द बताया गया वो भी ग्रहण के दौरानिए में पढ़िएगा। ख़वातीन के लिए कुछ जो ख़ास एहतियात हैं उसकी वीडियो अलग से मेरे चैनल पे मौजूद है, और ग्रहण की जो वीडियो उसी के नीचे उसका जो है लिंक वो भी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेरी फ्राहम करदा मालूम हैं उसकी रोशनी में इसको बेहतर कर सकें। ये आपके लिए कुछ एहतियात तलब लेकिन एक मिला जुला हफ्ता है, और इसको अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मैंने आपको तमाम सेक्टर्स का बता दिया कहाँ कहाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आप बच सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, डेड श्योर नहीं है, इसलिए आप थोड़ा फोकस कीजिए। मैंने आपको सदक़े का बताया, मैंने आपको दुआओं का बताया, इसके अलावा दुआ रद्द नुसरत सारगन आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप ये पढ़ना, क्योंकि जुपिटर, आपका सन, आपका वीनस, ये आपके अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो अब आपके लिए ज़रूरी होगा कि ये दुआ पढ़ें ताकि स्टार्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को जो है वो आप ब्रेक कर सकें।
तो मजमूई तौर पर मैं देखूँ तो ये आपके लिए एक बेहतर वक़्त है। इसको मज़ीद बेहतर आप मेरी हिदायत की रोशनी में बना सकते हैं इंशाल्लाह। बफ़ज़ल ताला बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।